In orthopedics, let's discuss the injuries around shoulder and fractured humerus. This is first anterior dislocation of shoulder is ki patho hai na, clinical features, management, या फिर recurrent dislocation of shoulder ऐसा question आ सकता है, या dislocated shoulder का classification, acute anterior dislocation, idiopathology, clinical feature, diagnosis and management. So first इसका introduction आएगा, second mechanism आएगा, third pathoanatomy आएगा, then fourth clinical features and fifth on examination or diagnosis क्या आएगा, then sixth ट्रीटमेंट है, सेवन्थ कॉम्प्लिकेशंस है. तो ये सारी हेडिंग्स में है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो ये मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है डिसलोकेट होने के लिए. एंड एंटीरियर डिसलोकेशन मच मोर कॉमन होता है पोस्टीरियर के कंपैरिजन में. देन सेकेंड मैकेनिज्म क्या होता है इसका, डायरेक्ट फोर्स पुशिंग द ह्यूमरस हेड आउट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी, ह्यूमरस हेड बाहर निकल जाता है ग्लेनोइड कैविटी से. और जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन है वो इलेक्ट्रिक शॉक या एपिलेप्टिफॉर्म कन्वर्जन की वजह से भी हो सकता है. वैसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड होता है विद द शोल्डर एब्डक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड. ये कॉमन मैकेनिज्म होता है इंजरी का. देन इसकी पैथोएनाटॉमी है, तो फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन है एंड सेकेंड पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एक एंटीरियर डिसलोकेशन, दूसरा पोस्टीरियर डिसलोकेशन और तीसरा फ्लेक्सेडियो इरेक्टा इंफीरियर डिसलोकेशन हो सकता है. फर्स्ट एंटीरियर डिसलोकेशन में तीन चीज़ें आती है, प्रीग्लोइड, सब कोरेकोइड एंड सब क्लैविकुलर. तो एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि हेड जो है ह्यूमरस का वो ग्लेनोइड कैविटी से बाहर आ जाता है और एंटीरियरली लाई करता है. तो प्री ग्लेनोइड होता है इसके अंदर, फर्स्ट उसमें हेड इन फ्रंट ऑफ द ग्लेनोइड रहता है. सेकेंड सब कोरेकोइड होता है जिसमें हेड कोरेकोइड प्रोसेस के नीचे रहता है एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप डिसलोकेशन का है. देन थर्ड सब क्लैविकुलर होता है, इसमें क्लैविकल के नीचे हेड रहता है. देन सेकेंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, इसमें जो हेड रहता है ह्यूमरस का वो पोस्टीरियरली रहता है ग्लेनोइड के पीछे. एंड थर्ड है फ्लेक्सेडियो इरेक्टा इंफीरियर डिसलोकेशन, इसमें हेड सब ग्लेनोइड पोजिशन में आ जाता है. के डायग्राम्स है, यहाँ पे नॉर्मल है एंड ए वाला शो कर रहा है प्री ग्लेनोइड को, बी सब कोरेकोइड को शो कर रहा है एंड सी इंट्रा क्लैविकुलर को शो कर रहा है. ये टाइप्स ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर है. देन नेक्स्ट पैथोएनाटॉमी में है पैथोलॉजिकल चेंजेस. तो इसमें फर्स्ट पैंकर्स लेशन आएगा, सेकेंड सैड्स लेशन आएगा एंड थर्ड राउंडिंग ऑफ आएगा. तो ये तीन चीज़ें आएंगी इसमें. ये इसका डायग्राम है, पैंकर्स लेशन, यहाँ पे सब स्कैपुलर स्टैंडर्ड है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, पोस्टीरियर कैप्सूल है, एंटीरियर कैप्सूल है, लैब्रम है, पेरिओस्टियम है, ग्लेनोइड है. तो नॉर्मली ये ट्रांसफर सेक्शन में ऐसा दिखता है, जबकि पैंकर्स लेशन में ये कुछ ऐसा दिखता है. ये पैथो एनाटॉमी है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर की. तो बैंकर्स लेशन में क्या होता है कि डिसलोकेशन की वजह से ग्लेनोइड लैब्रम का स्ट्रिपिंग हो जाता है पेरिओस्टियम के साथ एंड ये एंटीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ ग्लेनोइड से होता है एंड स्कैपुलर नेक से. तो हेड इसीलिए फिर फ्रंट ऑफ स्कैपुलर नेक आ जाता है. और सीवियर इंजरीज में पीस ऑफ बोन जो है उसका एवल्शन भी हो सकता है इंफीरियर ग्लेनोइड रिम से, जिसको बोनी बैंकर्स लेशन बोलते हैं. देन नेक्स्ट हिल सैथ सोल्यूशन है, तो ये डिप्रेशन होता है ह्यूमरल हेड में उसके पोस्टर और लेटरल क्वाड्रेंट में एंड ये एंटीरियर एज ऑफ ग्लेनोइड के इम्पिचमेंट की वजह से होता है हेड में जब वो डिसलोकेट करता है. तो देन सेकेंड इबर्नेटेड रिम ऑफ द ग्लेनोइड है जो कि राउंडिंग ऑफ कहलाता है. तो इसमें एंटीरियर ग्लेनोइड रूम क्रॉनिक केसेस में ऑकर होती है एंटीरियर ग्लेनोइड रिम जब हेड डिसलोकेट करता है रिपीटेडली उस पर तब. सो ये सारे पैथोएनाटॉमी में पैथोलॉजिकल चेंजेस है. एंड फोर्थ हेडिंग है इसके क्लिनिकल फीचर्स.
तो इसमें फर्स्ट शोल्डर एबडक्टेड रहता है, कंप्लेंस इसकी यही रहती है, पेशेंट की शोल्डर एबडक्टेड की तरह प्रेजेंट करता है, एल्बो सपोर्टेड रहती है उसकी अपोजिट हैंड से, एंड हिस्ट्री रहती है उसकी आउटर स्ट्रेच्ड हैंड फॉल की, साथ में पेन होता है एंड शोल्डर को वो मूव नहीं कर पाता है। देन फिफ्थ है डायग्नोसिस या ऑन एग्जामिनेशन उनको क्या मिलेगा, फर्स्ट ड्यूगास टेस्ट है इसमें, सेकेंड हैमिल्टन रूलर टेस्ट है, देन थर्ड है डायग्नोसिस को एक्सरे से कंफर्म किया जाता है। तो फर्स्ट ड्यूगास टेस्ट में क्या करते हैं, अपोजिट शोल्डर को टच करने की इनएबिलिटी आ जाती है इसमें, ड्यूगास टेस्ट में ये पता चलता है। एंड हैमिल्टन रूलर टेस्ट में शोल्डर की फ्लैटनिंग होने के कारण एक रूलर प्लेस करना पॉसिबल होता है लेटर साइड ऑफ आर्म में, एंड ये जो रूलर हम प्लेस करते हैं तो एक्रोनियन को ये टच करता है, एंड ह्यूमरस के लैटरल कॉन्डाइल को भी टच करता है साइमल्टेनियसली। देन थर्ड है डायग्नोसिस को हम कंफर्म करते हैं एक्सरे से, तो एंटेरो पोस्टीरियर व्यू वाला एक्सरे जो है वो कन्फर्मेटरी होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है डिसलोकेटेड कंडीशन में। तो एक्सरे ऑफ शोल्डर है ये, एपी व्यू शोइंग द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। देन नेक्स्ट सिक्स्थ है ट्रीटमेंट, तो रिडक्शन जो है अंडर सिडेशन या जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है, एंड टेक्निक्स क्या होती है शोल्डर डिसलोकेशन के रिडक्शन की, तो फर्स्ट कोचर्स मैन्युअल होता है, सेकेंड हिप्पोक्रेट्स मैन्युअल होता है। तो फर्स्ट कोचर्स मैन्युअल में क्या क्या किया जाता है, फर्स्ट ट्रैक्शन किया जाता है, सेकेंड एक्सटर्नल रोटेशन, थर्ड एडक्शन एंड फोर्थ इंटरनल रोटेशन। तो फर्स्ट ट्रैक्शन करने में क्या करते हैं, एल्बो को फ्लेक्स रखते हैं राइट एंगल पे, एंड टेंशन अप्लाई करते हैं ह्यूमरस के लॉन्ग एक्सिस पे। सेकेंड फिर एक्सटर्नल रोटेशन, आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। थर्ड एडक्शन में एडक्ट करते हैं आर्म को और एल्बो को अक्रॉस द बॉडी लाते हैं टूवर्ड्स मिड लाइन। एंड फोर्थ इंटरनल रोटेशन में आर्म को इंटरनली रोटेट करते हैं जिससे हैंड फॉल होता है क्रॉस अपोजिट शोल्डर। ऐसे कि हिप्पोक्रेट्स मैनुअल में सेमी एबडक्टेड आर्म पे इसको टेस्ट करते हैं, एक फॉर्म एंड स्टडी पुल लगाता है सर्जन सेमी एबडक्टेड आर्म पे, तो एक्सरे में फूट रखता है रिस्ट चेस्ट वॉल, एंड ह्यूमरस का हेड जो है वो लिवर बैक हो जाता है पोजिशन में, क्योंकि फुट जो है वो फलकम की तरह एक्ट करता है। देन सेवन्थ है कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें फर्स्ट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेकेंड लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आएगा एक्सिलरी नर्व इंजरी, तो ये डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से डेल्टॉइड मसल पैरालिसिस हो सकता है और स्मॉल एरिया ऑफ एनेस्थीसिया आ सकता है शोल्डर के लैटरल एस्पेक्ट। देन सेकेंड है लेट कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है, इसका कॉज होता है फर्स्ट एनाटॉमिकली अनस्टेबल जॉइंट स्मार्पन सिंड्रोम, और सेकेंड इनएडिक्वेट हीलिंग, एंड थर्ड एपिलेप्टिक पेशेंट। तो ये रिकरेंट डिसलोकेशन इन तीनों वजहों से होता है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फर्स्ट तो पैंक्रियास ऑपरेशन से, सेकेंड ब्रिस्टो लैरिंजाइटिस ऑपरेशन से, थर्ड ब्यूटी प्लैट ऑपरेशन से, एंड फोर्थ आर्थरोस्कोपिक पैंक्रियास रिपेयर से। तो फर्स्ट पैंक्रियास ऑपरेशन है, इसमें ग्लेनॉइड लैब्रम और कैप्सूल को री अटैच करते हैं ग्लेनॉइड रिम के फ्रंट पे, और इसमें एंकर्स की ज़रूरत होती है बोन पे लैब्रम को फिक्स करने के लिए, तो डिमांडिंग प्रोसीजर है। सेकेंड है ब्रिस्टो लैटरजेट ऑपरेशन, तो इसमें कोरेकॉइड प्रोसेस उसकी अटैच्ड मसल के साथ ऑस्टियोडोमाइज्ड किया जाता है उसकी बेस पे, एंड एंटीरियर मार्जिन जो होती है ग्लेनॉइड की उसके लोअर हाफ पे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो बोन पार्ट है वो ऑगमेंटिंग बोन लॉस को हेल्प करता है जो एंटीरियर ग्लेनॉइड से लॉस हो रहा है उसको, एंड अटैच्ड मसल्स जो रहती है वो स्लिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है ह्यूमरस हेड को। एंड थर्ड है ब्यूटी प्लैट ऑपरेशन, तो इसमें क्या किया जाता है डबल ब्रेस्टिंग कर देते हैं सब स्कैपुलरी टेंडन की, जिससे कि एक्सटर्नल रोटेशन और एब्डक्शन ना हो, तो रिकरेंस नहीं होगा इससे।
एंड फोर्थ आर्थरस्कोपिक बैंकट रिपेयर है, तो इसमें क्या करते हैं कि आर्थरस्कोपिक टेक्निक्स की हेल्प से रिकरेंस रोक सकते हैं। एंड ये कॉस्मेटिकली अच्छा ऑप्शन होता है एंड रिहैबिलिटेशन जो होता है इसके बाद वो फास्टर एंड बेटर होता है। अगेन इसमें एंकर सूचर्स की ज़रूरत होती है, टेक्निकली डिमांडिंग होता है ये। सो ये था डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।